मेरा नाम डॉक्टर फवाद फारूक है और आज मेरे साथ मेरी खुशकिस्मती है पिशावर की इस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर अहमद बिलाल साहब मौजूद थे जो जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं, एंडोक्राइलॉजिस्ट हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं और माशाल्लाह बहुत, अभी मैं जस्ट सुन के आ रहा था, बहुत ही खूबसूरत लेक्चर ऑन ओबेसिटी यानी मोटापे से मुतालिक। तो मैंने सोचा क्यों ना इस दौरान इनकी एक जस्ट वीडियो क्लिप हम बना लें जो आप तक भी पहुंचाई जा सके। सर, पहले तो हमें ये बताएं कि मोटापा हमारी अपनी पॉपुलेशन में किस हद तक है और कितना है। बहुत ही खौफनाक फिगर्स हैं। एक सर्वे हुआ था खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक, 11,000 मरीज़ उसमें इंसर्कल्ड थे और हमारे 50% लोग जो हैं वो मोटापे का शिकार हैं। आधी पॉपुलेशन हमारी। जी अच्छा, इसमें जो है अमूमन लोग क्या करते हैं, वेट की मशीन होती है उस पे जज करते हैं कि हम कितने मोटे हैं। क्या ये सही तरीका है वेट से अपना मोटापा देखना? ठीक है, वेट देखना चाहिए मगर पब्लिक के लिए मैसेज ये है कि आप एक दर्जियों वाला ही टेप जो है वो वॉशरूम के अंदर लटका लें। अब ये मैं इशारा इधर इसलिए कर रहा हूँ कि नाफ के लेवल से आपने अपना पेट नापना है, और किसी भी मर्द की जो पेट की मोटाई है वो 35 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और किसी भी खातून की जो पेट की मोटाई है वो 30 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो आप जब भी नहाएं अपना पेट नाप लें, आप सेल्फ ऑडिट में रहेंगे और आपको पता चल जाएगा आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक्चुअली पेट और वेट फ़र्क फ़र्क चीज़ें हैं। जो पेट के ऊपर चर्बी है ये पूरी एक दहशतगर्दी की इंडस्ट्री है। इसमें से 35 किस्म के मुख्तलिफ हार्मोन्स निकलते हैं जिन्होंने खुद कुछ जैकेट्स पहनी होती हैं और वो जिस्म में जगह जगह जाके धमाके करते हैं, जैसे फॉलेज कर दिया, हार्ट अटैक कर दिया, गुर्दे फेल कर दिए, लिम भी किसी का ख़त्म हो गया, या इवन कैंसर्स भी करते हैं। इसका मतलब ये सो जितने प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं ये सब मोटापे से हैं पेट की चर्बी से, और पेट की चर्बी। ओह जो पेट की अच्छा, चर्बी इसमें जो है आपने नंबर्स बताए इसमें वेट का कोई ताल्लुक नहीं है। वेट आपका कितना भी हो, अगर आपकी इससे रेंज ऊपर है तो आप मोटे हैं। आप मोटे हैं। ओहो, हमारे यहाँ तो सब लोग उस वेट पे खुश हो रहे होते हैं, बता रहे होते हैं हमारा वेट इतना हो गया, हमारा वेट इतना हो गया। सो ओहो, पेट और वेट फ़र्क फ़र्क चीज़ें हैं, और जो चर्बी आपके बाजुओं में है और टांगों में है वो एक फ़र्क चीज़ है, और वो एडिपोनेक्टिन्स निकालती है जिसको हम कहते हैं कि ये ज़र्बे अज़ब है। तो वो जाके जहाँ पे दहशतगर्दी हो रही होती है उसके ऊपर ठंडी बाल्टी पानी की फेंक के उसको बुझा ओहो, देती है। सो बेहतरीन। आपने बाजुओं और टांगों को मज़बूत करना है, मोटा करना है, मज़बूत करना है, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है और पेट को अपने छोटा करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम पूछ रहे हैं कि आम लोग बचें कैसे। ये तो बड़ी अच्छी एक नई चीज़ पता चली कि मोटापा है कब 35 और 30 इंच सिर्फ पेट की। अच्छा, ये पेट की पैमाइश कहाँ पे की जाए? नाफ के लेवल अच्छा, से, नाफ के लेवल को स्टैंडर्ड बना लिया जाए, नाफ के लेवल से। बेहतरीन। और मैं भी अक्सर यही बात एडवोकेट करता हूँ कि इस इंच टेप का ऑडिट लाजमी करें। सर, बचना कैसे? बस एक फाइनल बात हम कर लेते हैं ताकि इसको कंक्लूड करें। अक्सर लोगों ने मोबाइल फोन्स रखे हुए हैं, स्मार्टफोन्स रखे हुए हैं, उसके अंदर स्टेप काउंटर्स है, प्लीज़ उसको एक्टिवेट करें। 6,000 कदम इंसान को कम से कम सेहत के लिए चाहिए। अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो 10,000 कदम रोज़ के चलें। अगर आपको तमाम क्रॉनिक बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर, इवन कैंसर्स हैं, उनसे आपको रिडक्शन लेनी है और 80% तक आपको रिडक्शन लेनी है तो आप 11,000 कदम रोज़ के चलिए। इसके ऊपर कोई कीमत नहीं लगती है। तो आप अगर ये कर लेंगे तो बहुत सारी आने वाली मुसीबतों से बचे रहेंगे। बहुत शुक्रिया। पैदल चलना और फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल दैट्स द की। एक्टिविटी, तो कंक्लूजन यही है कि मोटापा है क्या 30-35 इंच, 30 इंच औरत के लिए और 35 इंच मर्द के लिए। अगर उसकी कमर उससे कम होना चाहिए इससे ज़्यादा है तो वो मोटा है। जी। अगर वो इससे थोड़ा और नीचे चला जाएगा तो उसको और फायदा हो और जाएगा। फायदा है। थैंक यू डॉक्टर बिलाल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।